ऑल, आदित्य प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक सेंटर। हमारा ये सेंटर 5 इयर्स ओल्ड है। यहाँ हम लोग अप्रोक्सीमेटली 120 टू 125 पेशेंट्स को आर्टिफिशियल लिम्स लगा चुके हैं, हैंड्स एंड लेग्स मिलाकर। लास्ट 5 इयर्स से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के आसाम में और आसपास के इलाकों में जितना हम लोग मोबिलिटी एनहेंस कर पाए, वो इसका मेन मोटिव है। इसका ओपनिंग हमारे उस वक्त के CM श्री सर्बानंद सोनोवाल सर ने किया था। तब से हम लोग अभी तक मोबिलिटी एनहेंसमेंट और लोगों की लाइफ बेटर करने के मोटिव से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने एक पेशेंट को एक एडवांस मायो इलेक्ट्रिक हैंड फिटिंग किया। एडवांस मायो इलेक्ट्रिक हैंड में क्या होता है कि पेशेंट का रिस्ट के ऊपर हाथ कटा हुआ था और वो पेशेंट कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। उसमें हम लोग नॉर्मल आर्टिफिशियल हैंड भी लगा सकते थे जिसका कोई फंक्शन नहीं होता या बहुत मिनिमल फंक्शन हो सकता था। हमने एडवांस मायो इलेक्ट्रिक हैंड लगाया है जो कि आसाम में पहली बार लगाया गया है। इससे ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं जब पेशेंट सोचता है कि मुझे वो एक्टिविटी करनी है, और हाथों में उसके इलेक्ट्रोड्स फिटिंग है जो उस सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और हाथ उसी तरह से ओपन या क्लोज होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, दरवाजों को खोलने के लिए, सामान को पकड़ के इधर से उधर रखने के लिए, पानी पीने के लिए, विभिन्न तरह के हम लोग एक्टिविटीज पेशेंट्स को करवा रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग चल रही है और पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड है, और हम लोग भी बहुत खुश है कि हमने सक्सेसफुली ये फर्स्ट एडवांस मायो इलेक्ट्रिक हैंड यहाँ पर फिटिंग किया है। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को इस तरह की सुविधा प्रदान करते रहे। हमने लास्ट ईयर 30 पेशेंट्स को आर्टिफिशियल लेग्स लगवाए थे BCPL के सौजन्य से, और इस बार भी BCPL को ये प्रपोजल है और मोर देन 50 पेशेंट्स माइट बी बेनिफिटेड आने वाले अक्टूबर या नवंबर महीने में। तो हमारी यही कोशिश है कि हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहे, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आते रहे, और ताकि लोगों की मोबिलिटी इम्प्रूव हो और लोग अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ और बेटर तरीके से कर सकें। थैंक यू।